हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। देश भर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है। रमन प्रभाव की खोज को मनाने के लिए हर साल 28 फरवरी को यह दिन मनाया जाता है। इस दिन भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह किसी भी भारतीय एवं एशियन व्यक्ति द्वारा जीता गया पहला नोबेल पुरस्कार था। तो जानते हैं इस वीडियो में सीवी रमन जी के बारे में और उनसे जुड़ी रोचक तथ्यों के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट। सर सीवी रमन जी का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन है। इनका जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में 7 नवंबर 1888 को हुआ था, जो कि कावेरी नदी के किनारे स्थित है। इनके पिताजी का नाम चंद्रशेखर अय्यर है। इनके पिताजी स्कूल में पढ़ाने का कार्य किया करते थे। रमन की मां का नाम पार्वती अम्माल था। रमन जी का विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य की पुस्तकों से परिचय बहुत छोटी सी उम्र में ही हो गया था। संगीत के प्रति उनका लगाव और प्रेम भी छोटी आयु से आरंभ हुआ था। आगे चलकर यही सब उनके वैज्ञानिक खोजों का विषय बना। वह अपने पिताजी को घंटों वीणा बजाते हुए देखते रहते थे। जब उनके पिताजी तिरुचिरापल्ली से विशाखापत्तनम में आकर बस गए, तो उनका स्कूल समुद्र के किनारे था। उन्हें अपनी क्लास की खिड़की से समुद्र के नीले पानी का दृश्य दिखाई देता था। इस दृश्य से उनके मन में समुद्र के नीले होने के कारण जानने की रुचि उठ गई। यही नीलापन उनके वैज्ञानिक खोज का विषय बना। रमन संगीत, संस्कृत और विज्ञान के वातावरण में बड़े हुए थे। वह हर क्लास में प्रथम आते थे। रमन ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए में प्रवेश लिया। 1905 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले वह अकेले छात्र थे और उन्हें उस वर्ष का स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ था। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में ही एमए में प्रवेश लिया और मुख्य विषय के रूप में भौतिक शास्त्र को लिया। रमन जी कॉलेज की प्रयोगशाला में ज़्यादा समय बिताते थे। वे प्रकाश की किरणों को नापने का प्रयास करते थे। रमन जी की मन स्थिति का अनुमान प्रोफेसर जॉन्स भी नहीं समझ पाते थे। रमन किस चीज़ की खोज कर रहे हैं ये वो समझ नहीं पाते थे। उन्होंने रमन को सलाह दी कि अपने परिणामों का शोध पेपर की शक्ल में लिखकर लंदन से प्रकाशित होने वाली फिलोसफिकल पत्रिका को भेज दें, और सन 1906 में पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ। विज्ञान को दिया रमन का यह पहला योगदान था। उस समय वह केवल 18 वर्ष के थे। और फिर 6 मई 1907 को कृष्ण स्वामी अय्यर की पुत्री त्रिलोक सुंदरी से रमन जी का विवाह हो गया। 1921 में पहली बार एक अध्ययन यात्रा पर उन्हें विदेश जाने का अवसर मिला। पानी के जहाज से यात्रा करते समय सागर के नीले नीले जल ने उनका ध्यान आकर्षित किया। लॉर्ड रेले ने आकाश के नीले रंग की सफल व्याख्या वायु कणों से प्रकाश प्रकीर्णन के आधार पर की थी, किंतु सागर जल का नीला रंग उन्होंने आकाश का जल में प्रतिबिंब मान लिया था। रमन को यह व्याख्या स्वीकार नहीं थी। उनको लगता था कि जो सिद्धांत वायु के नीले रंग के लिए उत्तरदायी था, वही जल के नीले रंग के लिए भी होना चाहिए। इसलिए अपनी वापसी यात्रा में उन्होंने एक स्पेक्ट्रम मापी अपने साथ रखा। एसएस नरकुंडा नामक जलयान पर यात्रा के दौरान उन्होंने ग्लेशियरों और जल से प्रकीर्णन के कुछ प्रयोग इस यंत्र की सहायता से किए। भारत पहुंचते पहुंचते उन्हें विश्वास हो गया कि उनका विचार सही था। उन्होंने नेचर पत्रिका को एक छोटा लेख इस संबंध में भेजा और युवा वैज्ञानिकों के अपने दल के साथ प्रकाश प्रकीर्णन संबंधी अपने प्रयोगों में लीन हो गए। 7 वर्ष के अथक परिश्रम और सैकड़ों द्रव्यों एवं ठोसों से प्रकाश प्रकीर्णन का अध्ययन करने के बाद आखिर उन्हें 28 फरवरी 1928 को उन्होंने रमन प्रभाव की घोषणा की। इसी खोज के कारण भारत में 1987 से इस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हर साल 28 फरवरी को भारत में मनाया जाता है। यह दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह किसी भी भारतीय और एशिया व्यक्ति द्वारा जीता गया पहला विज्ञान में नोबेल पुरस्कार था। इस दिवस का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित व प्रेरित करना था तथा जनसाधारण को विज्ञान एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाना है। विज्ञान और तकनीक को प्रसिद्ध करने के साथ ही देश के नागरिकों को इस क्षेत्र में मौका देकर नई ऊंचाइयों को हासिल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 का विषय फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्ड एंड वर्क है। रमन जी ने 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद प्रकीर्णन की घटना में सूर्य के प्रकाश के सभी अवयवी रंग अवशोषित कर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं और नीले प्रकाश को वापस परावर्तित कर दिया जाता है। इस रहस्य को सुलझाने में वह सफल हो गए थे। उनकी यह खोज ही रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रभाव की उपयुक्त व्याख्या केवल क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है, जहां एक वर्णीय प्रकाश पुंज को ऊर्जा युक्त कणों के प्रवाह के रूप में देखा जाता है। अप्रत्याशित संघट से प्राप्त विकिरणों का प्रक्रम रमन प्रकीर्णन कहलाता है और इसके परिणाम स्वरूप प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाएं रमन रेखाएं कहलाती हैं। अब जानते हैं कि रमन प्रभाव का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। ऐसे स्थानों पर जहां भी बैग्स या सैंपल को बिना नुकसान पहुंचाएं उन्हें पहचानने की प्रक्रिया होती है, वहां पर रमन प्रभाव का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। दवाइयों पेट्रोकेमिकलों जैसे सामग्री के निर्माण प्रक्रमों के अध्ययन और उनकी गुणवत्ता निर्धारण में इसका प्रयोग किया जाता है। अपराध कार्य में लगेज को बिना खोले उसके अंदर उपस्थित सामान को डिटेक्ट करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। भूगर्भ शास्त्र और खनिज वैज्ञानिक रत्नों और खनिजों की पहचान तथा विभिन्न दशाओं में खनिज व्यवहार आदि का अध्ययन करने के लिए इस तकनीक का उपयोग करते हैं। कार्बन नैनोट्यूब और हीरों की गुणवत्ता के गुणों का अध्ययन करने के लिए डीएनए और आरएनए विश्लेषण में रमन प्रभाव का प्रयोग किया जाता है और आधुनिक युग में रमन प्रभाव का प्रयोग और भी अधिक बढ़ गया है। रमन जी ने 1948 में बेंगलोर में अपना एक इंस्टीट्यूट बनाया था जिसका नाम रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। इस इंस्टीट्यूट के चारों तरफ खूबसूरत बाग पेड़ों की भरमार है। यहाँ पर रमन जी अपने पसंद के विषयों पर शोध और खोजबीन करते थे। जो कुछ भी उन्हें चमकता हुआ दिखाई देता था वह उनके अनुसंधान का विषय बन जाता था। उन्होंने हीरे की आंतरिक संरचना एवं भौतिक गुणों का अध्ययन भी किया। इन्होंने पक्षी के पंख तितलियां, फूलों की पत्तियों तक के उन्होंने यह अन्वेषण किया कि ये सब इतना रंग बिरंग क्यों होता है। इस अध्ययन के परिणाम में उन्होंने विजन और कलर का सिद्धांत प्रतिपादन किया जो उन्होंने अपनी पुस्तक द फिजियोलॉजी ऑफ विजन में लिखा है। रमन जी को 1954 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था और सोवियत रूस ने उन्हें 1958 में लेनिन पुरस्कार से सम्मानित किया था। रमन जी को उनकी खोजों की प्रसिद्धि के लिए कई पुरस्कार प्रदान किए गए थे। 21 नवंबर सन 1970 में एक छोटी सी बीमारी के कारण रमन जी का स्वर्गवास हो गया था। तो ये थी रमन जी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट।